हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज योर एजुकेटर वेदांत उपाध्याय। तो कैसे हैं आप लोग भाई? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आपके चैनल में, इसका नाम है एमसीआई कोटा। तो आज से हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर, या फिर मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं इसको। अच्छा, आसान सा चैप्टर है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं आती। और जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ वाला, उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो वो भी अपन इसमें समझेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत सारी चीजें मतलब आप लोगों ने बेसिक फॉर्म में क्लास टेंथ में पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला है हमारे पास इसमें कि मैग्नेट क्या होता है भाई। अब मैग्नेट यार गली का बच्चा बच्चा जानता है, कोने कोने से जानता है कि मैग्नेट क्या होता है। अब मैग्नेट इज अ मटेरियल, मैग्नेट एक मटेरियल है जो कि एक प्रॉपर्टी रखता है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की। फिर से क्या बोला सर आपने? सर ने बोला कि भाई मैग्नेट एक मटेरियल है, ठीक है समझ गए, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या बोले सर? मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हुआ, मेटल्स हो गए, उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, वही क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। समझ गए सर? अगला है अपना बार मैग्नेट। क्या होता है? जो बार की फॉर्म में होता है वो बार मैग्नेट होता है। जो ऐसा बार की फॉर्म में होता है वो हमारा बार मैग्नेट कहलाता है। इसके दो पोल्स होते हैं। अब बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक उसमें से हम बोलते हैं नॉर्थ पोल होता है, एक उसमें से साउथ पोल होता है। अब जो नॉर्थ पोल होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ को हम प्लस एम से डिनोट करते हैं और साउथ वाले की माइनस एम से, ठीक है। एम यहां पे क्या है? छोटा वाला पोल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। पोल स्ट्रेंथ यानी कि भाई कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, कितना रिपेल कर पा रहा है, कितना जोरों से किस फोर्स से रिपेल कर रहा है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है, यानी कि पोल स्ट्रेंथ। भाई अब कोई भी चीज बनती है इस दुनिया में तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होती है। तो सर बताओ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली देन इट ऑलवेज अलाइन इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। क्या होता है भाई? कभी भी हम ये जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये जो पोल है वो मैग्नेटिकल नॉर्थ इसको मान लो, मैग्नेटिकल साउथ इसको मान लो, या उल्टा भी मान सकते हो, है ना। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो इसमें जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, ये तो क्या है मैग्नेटिकल नॉर्थ और मैग्नेटिकल साउथ। अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलेंगे तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये होगा और ज्योग्राफिकल साउथ साउथ ये होगा। इधर जी लिख दो, होगा नहीं होगा। अब मैं यहां पर मान लो एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दूं और कितना भी उसको रोटेट कर लूं, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब ये तो उसका नॉर्थ हो जाएगा, ये उसका साउथ पॉइंट हो जाएगा, और ये हमेशा ही क्या करेगा, नॉर्थ साउथ। कौन सा नॉर्थ साउथ? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही शो करेगा हमेशा। कभी भी कोई बार मैग्नेट लेके भी देखना आप, और या मेरे को मिलता है तो मैं आपको एक बार करके भी बताऊंगा हमेशा कि कभी भी एक बार मैग्नेट को हमने ऐसे सस्पेंड कर लिया थ्रेड से, उसको कितना भी घुमा लो आप, जब भी घुमाओगे तो वो हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। एक मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी रस्सी काट लो, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब इस बार मैग्नेट को मैं ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कट करता हूं ऐसे, तो अपने आप ही एक पोल इधर जो कि साउथ और एक पोल इधर जो कि नॉर्थ अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसके कितने भी छोटे 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 टुकड़े कर दो, कितने भी छोटे 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 टुकड़े कर दो, तब भी एक पोल अपने आप ही डेवलप हो जाता है, क्योंकि एक पोल तो पहले से ही होता है, तो दूसरा पोल अपने आप ही क्या होता है, डेवलप हो जाता है, किसी को जरूरत नहीं होती कि डेवलप करवाने की। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा था भाई, कभी भी कोई बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो बार मैग्नेट हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही एलोंगेट होगी। दूसरा,
किसी भी बार्मेट के छोटे 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 टुकड़े कर दो तो वो हमेशा क्या करेगी, ज्योग्राफिकल सॉरी अपने आप एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल डेवलप कर लेगी। सर तीसरा बताओ, दो तो बता दिए, वन टू इंपॉर्टेंट। उसके बाद अच्छा एक बात हमेशा याद रखा करो, नोट्स का मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि जिसको भी नोट्स चाहिए तो ये पूरे पूरे जो आप वीडियोस में बना रहा हूं इसमें टोटली नोट के हिसाब से भी बना रहा हूं, तो आप चाहो तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके आप इसमें लिख सकते हो ताकि आपको ये हेल्पफुल हो, और हेल्पफुल हो तो आप वीडियोस को लाइक करा करो, इससे अच्छा लगता है, हमें भी थोड़ी सी सुकून मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, तो थोड़ा सा सुकून तो हम दे ही सकते हो आप हम लोगों को। तो इसका थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि मोनोपोल ऑफ अ बार मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, कोई भी इस दुनिया में ऐसी बार मैग्नेट ना ही बनी जिसमें मोनोपोल हो। सर मोनोपोल क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल पोल, कोई भी ऐसी मैग्नेट बनी नहीं आज तक कि जिसके अंदर एक ही पोल हो, कि भैया नॉर्थ पोल तो आ गया साउथ नहीं आ रहा, साउथ ने बोला मैं नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर एक नॉर्थ पोल है तो 100% साउथ पोल भी उसका डेवलप होगा ही होगा या डेवलप्ड रहेगा उसमें, ठीक है। तो मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। इसके बाद मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द मिडिल। ये बार मैग्नेट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो इस तरफ होगी दोनों एंड्स पे, दोनों पोल्स पे, और मिनिमम जो स्ट्रेंथ होगी वो इसमें होगी। ये अभी अपन इसके बाद आने वाला टॉपिक होगा उसमें भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा उस टाइम पे भी इस चीज को मैं समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो बस अभी के लिए याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होती है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है, और मिनिमम कहां पे होती है, मिडिल में होती है। इज इट क्लियर बच्चा वाटी? अरे हाँ बोलो, बोलोगे कैसे भाई, मेरे को सुनाई भी नहीं देगा, तो यस लिख दो कमेंट में, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल सर वापिस पढ़ा रहे हो, चलो पढ़ाते। डायपोल क्या होता है, डाई मतलब दो, पोल मतलब अलग अलग पोल हो गए भाई, ठीक है, ध्रुव जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल में क्या होता है, एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट के दो पोल हो गए और उसको कोई फिक्स्ड डिस्टेंस पे सेपरेट कर रखा है हमने, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डायपोल कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स, दोनों पोल अलग अलग होने चाहिए तभी डायपोल बनेगा, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, छोटा होगा तभी काम चलेगा नहीं तो ना ही चलेगा। इसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट सेम इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट के जैसा ही होता है। इसमें क्या है भाई, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, कोई सी भी एक पोल स्ट्रेंथ लेते हैं हम, इसमें मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि माइनस का आ जाएगा तो बौखला जाओगे तुम लोग, और हमको बौखलाना नहीं है, हमको सही सही काम करना है। तो क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक आइदर मैग्नेटिक फील्ड पोल स्ट्रेंथ इनटू डायपोल लेंथ, और हमारा यही का यही कंसेप्ट किसमें चलता था बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल, आइदर चार्ज इंटू डायपोल लेंथ, यही होता था सेम चीज इसमें, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसकी जो ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगा देते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में रहता है, कहां से कहां तक, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। अगला आता है इसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो याद करना तो हम बहुत सारी चीजें याद करते रहो कोई चीज खत्म ही नहीं होती, पर हमको समझना भी तो पड़ेगा। तो ये कैसे आया एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला याद है तो हम लिख सकते हैं, हमें पता है एफ इक्वल्स टू या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, यहां से फील्ड स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ को मैं लिख सकता हूं एफ अपॉन बी, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा में कोई डायमेंशन होता नहीं है, सॉरी यूनिट होती नहीं है, तो क्यों लिखूं मैं, तुम होते कौन हो, ऐसा बोलने वाला है, अपॉन बी, बी से बी गए, एम इक्वल्स टू क्यू इंटू बी, चार्ज को मैं आई टी लिख सकता हूं, वेलोसिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूं, टाइम से टाइम गया, करंट की क्या होती है ऐसा यूनिट एम्पियर, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, यहां पे क्या है टू एल, टू एल का मतलब क्या हो गया भाई, एल का मतलब मीटर,
तो आंसर क्या आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये याद नहीं, समझा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ले लिया बच्चा? तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड मतलब एक स्पेस हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक स्पेस मैग्नेट के अराउंड। तो इसमें भी वही लिखा है, द फोर्स सॉरी द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सीधी सीधी सी बात, कोई भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी मान लो ये है मेरे पास, इसको मान लेते हैं बार मैग्नेट है। अब इसके अराउंड जो भी इसका कवरेज एरिया होगा, जहां पे हम इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर सके, वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसे एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा भाई, एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा स्पेस जहां तक ग्रेविटी का असर रहे, है ना, वही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाएगा भाई, एक ऐसा मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जहां पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। तो यही मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अच्छा, मैं बार बार वीडियो के साथ साथ बताता भी रहता हूं आपको, और आप लोग ये सच में इसको नोट करके रखो और या दिमाग में बिठा लो कि हमको पढ़ना आता है, हमको नॉलेज है, वो बहुत अच्छी बात है, पर हम उस नॉलेज को कैसे दिखा पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तो इसलिए जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मान लो, वैसे इतना आसान क्वेश्चन कभी देते नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है। अब उसमें पूरा डेफिनेशन लिखो, पर जैसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज पे अंडरलाइन किया है, वैसे आप लोग भी उसको अंडरलाइन किया करो। फॉर्मूला जो डेरिवेशन करके आते हो, लास्ट रिजल्ट को बॉक्स में बंद करा करो। जैसे मैं किस लिए करता हूँ बॉक्स में बंद, क्योंकि वो फॉर्मूला भाग ना जाए, है ना, तो आप लोग भी उसको बंद करा करो ताकि वो भाग ना जाए। पेपर से भाग गया तो नंबर देंगे नहीं, ठीक है। तो कोशिश करा करो पूरा पूरा उसको बॉक्स में बंद करो, या इंपॉर्टेंट जो भी लाइंस है उनको बॉक्स में बंद करो, या जो भी अंडरलाइन करो, ताकि क्या होता है, टीचर कभी भी जब बोर्ड की कॉपीज चेक हो रही होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता आपने क्या क्या लिखा है। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों पर अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर वही देख के आपको मार्क्स दे सकता है, ठीक है, समझ में आया। चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, भाई क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है, कहां पे होती है भाई, एक बार मैग्नेट या एक मैग्नेट के अराउंड होती है, एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी, एक चार्ज के चारों तरफ जो लाइंस बनती है इमेजिनरी लाइंस, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, और मैग्नेट के अराउंड जो लाइन बनती है उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। कैसन होती है सर? सर ऐसन होती है, ये नॉर्थ ये साउथ। अब यहां से तो नॉर्थ से तो ये क्या करती है, निकलती है, तो निकाल दो और निकालो और निकालो और निकालो और निकालो निकालो निकालो, ठीक है। तो नॉर्थ से तो क्या हो रही है, निकल रही है, और साउथ को कहां जा रही है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है। क्लियर है बच्चा वाटी क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फिर से समझा दूं, एक इमेजिनरी लाइन है जो किसी मैग्नेट या बार मैग्नेट के अराउंड होती है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को शो करती है। वो स्ट्रेंथ क्या होती है आगे बताएगा अपन, पहली अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा याद रखना नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है मैग्नेट के बाहर, और साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है मैग्नेट के अंदर। कहां से कहां तक, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, सॉरी मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, क्लियर है। नोट, ये आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, और इस पे बेस्ड कई बार, मतलब पहले के टाइम पे कई बार इस पे क्वेश्चन आते थे कि ये, और टेंथ क्लास में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर।
तो इसमें लिखा हुई है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, किसी अब मैं मान लो इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि नॉर्थ से साउथ भी जा रही है और साउथ से नॉर्थ भी जा रही है, तो ये क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है ना पॉसिबल। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगला, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो क्या बताएगा हमको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये पॉइंट पे मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूं या टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या बता रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। क्लियर है इतना? सॉरी, हाँ। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म्स अ क्लोज लूप। फील्ड लाइंस क्या होती है? हमेशा कंटिन्यूअस होती है, कहीं रुकती नहीं है ये। ठीक है, और एक क्लोज लूप बनाती है, कहीं से कहीं तक ये लूप ब्रेक नहीं होता। जैसे यहां से निकला ये, यहां से निकला ये, यहां से निकला ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना रहा है, एक लूप बना रहा है। तो ये क्या है? क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ या क्लोज एंड कंटिन्यूअस लूप बनाता है। ठीक है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। भाई कहां पे लग रही है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग? सर यहां को लग रही है। ठीक है, क्यों लग रही है? इसलिए लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होती है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है इन द रीजन ऑफ क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसी ऐसा पोजीशन जहां पे फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज है। देखो ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सारी आपस में कितनी क्लोज है, और ये वाली इसी से ही कितना दूर हो गई, तो यहां पे क्या है? वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, ऐसा एरिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पे वो एरिया दूर दूर, मतलब फील्ड लाइंस दूर हो जाती है, वहां पे क्या बनता है? वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका, दो सहेलियां ये है हमारी चुन्नी, ये चुन्नी के हाथ, ये चुन्नी का दूसरा हाथ, ये है हमारी मुन्नी। ये चुन्नी, ये मुन्नी। अब देखो चुन्नी ने इसके हाथ बना दू, चुन्नी ने मुन्नी के की चोटी पकड़ रखी है, और अब कोई इसमें से बीच में से निकलना चाहे तो क्या निकल सकता है? नहीं निकल पाएगा। अगर छोटा सा कोई चीज होगी या छोटा सा बच्चा होगा तो वो नहीं निकल पाएगा। वहीं पर अगर इसने इसकी चोटी छोड़ दी तो बीच में से निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, और ये क्या है? ये बॉन्ड टूट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी, कोई एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लो, वहां पे बेंचेस जो है वो बिल्कुल क्लोज क्लोज है, क्लोज क्लोज है, तो कोई निकल सकता है क्या उसमें? और अगर वही दूर दूर हो जाएगी तो कोई भी निकल सकता है। तो यानी कि जहां पे फील्ड लाइंस पास पास है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो स्ट्रांग बनेगी, जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? वीक बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। तो चुन्नी मुन्नी को छोड़ के बाकी पूरा उतार लो, फिर अपन कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टेटिक्स पढ़ेंगे। तो भाई अब अगली अपन जो कर रहे हैं डेरिवेशन वो है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टेटिक्स। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अच्छे से पढ़ी हो तो ये वाली बहुत आसान है और बहुत ही सीधी सीधी सी बात है इसमें। मान लो हमने एक 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 बार मैग्नेट लिया इधर, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, इधर ये इसका साउथ पोल, या एक एक कॉमन मैग्नेट लेंगे तो उससे और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो कॉमन मैग्नेट ले लेते हैं, उससे समझते हैं। ये हमारा बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, और ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दोनों पोल्स के बीच में वो इनकी पोल स्ट्रेंथ, इसकी एम मान लो, इसकी एम नॉट मान लो,
पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इक्वेशन वन। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बाय वन एंड टू वी कैन राइट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहता है तो कोई कॉन्स्टेंट लगता है और इक्वल्स टू लगता है। इस कॉन्स्टेंट को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कूलम्स लॉ आ गया, वेयर म्यू नॉट अपॉन फोर पाए इक्वल्स टू 10 रेस टू द पावर माइनस 7। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। बहुत आसान चीज है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और ये चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की बात है ये चीज, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में डेरिवेशंस में ये 10 की पावर माइनस 7 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बहुत ज्यादा काम आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, हम इसी में क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं लिख सकता हूं एम इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं तो एम की जगह पे एम लिख दो यहां से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट। क्लियर है इतना? अब यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला यहां से लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम नॉट। इसको चेंज करेंगे एम इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन बाय एम नॉट। तो एम नॉट से एम नॉट कट हो गया, तो एम की वैल्यू क्या आई, एम इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इस रिजल्ट के बेसिस पे अपन याद रखेंगे आगे सारी बातें। अच्छा, एक चीज और इसमें क्लियर कर लेता हूं, ये एम जो है एम को इरेज कर देते हैं अपन, एम की जगह पे बी लिख देते हैं। इसका कारण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या डायपोल मूवमेंट अपन करेंगे तो डायपोल मूवमेंट में अपन ने एम वेक्टर लिखना है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं इसको बी। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट फाइनल रिजल्ट है। तो अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में करा था मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन, बिल्कुल वैसा का वैसा है और सीधा साधा सा है। तो वो अब मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ हो तो वही पुरानी लाइन, आप लोगों से क्या बोलना कि भाई अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं और नए हैं तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।